चीन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर दुनिया भर में चिंता अब बढ़ती जा रही है। चांगबियाओ टापू पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है चीन। चोरी छिपे न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रहा है ड्रैगन और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी चीन ने गोपनीय रखी है। 2030 तक चीन बना सकता है 1270 परमाणु हथियार। ये दुनिया के लिए एक और बड़ी चिंता का सबब जिसमें लगा हुआ है चीन। चीन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर इस वक्त दुनिया भर में चिंता है और इस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से गोपनीय रखा जा रहा है और कैसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है चीन, ये जरा हम आपको समझाते हैं क्योंकि बिग वॉल पर इंफॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। ये देखिए चीन क्या कर रहा है, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। दो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इस वक्त बना रहा है चीन और इस खबर ने एक बार फिर दुनिया को चिंतित कर दिया है। चांगबियाओ टापू पर चीन बना रहा है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और यह जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको बहुत गुप्त रखा जा रहा है। पहले न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा और दूसरा जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वो 2026 तक यानी उसके 3 साल बाद बनकर तैयार हो जाएगा। नए रिएक्टर का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में संभव है, मुमकिन है और यही हम सबकी चिंता का सबब भी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के सहारे 2030 तक चीन बना सकता है 1270 परमाणु हथियार। ये अपने आप में दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब। सुमित चौधरी क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, सुमित सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले एक और डिटेल हम अपने दर्शकों को दे दें कि चीन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं ये जरा समझ लीजिए, उसके बाद सुमित आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। परमाणु ऊर्जा से जुड़ा डेटा शेयर नहीं कर रहा है चीन, इसलिए शक और शुभा जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। IAEA में 2017 के बाद से नागरिक इस्तेमाल के लिए प्लूटोनियम स्टॉक की जानकारी नहीं दी है चीन ने और इसीलिए उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। चीन का चरित्र जो है उससे तो हम सब वाकिफ हैं ही। IAEA को चीन ने रिएक्टर्स की भी जानकारी नहीं दी है और प्रोजेक्ट से जुड़ी ये जो सारी जानकारियां हैं ये बहुत ही गोपनीय रखी जा रही, गुप्त तरीके से काम किया जा रहा है। परमाणु खतरे पर अमेरिका से द्विपक्षीय बातचीत टाल रहा है चीन, ये भी अपने आप में शक पैदा करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से महंगी बिजली मिलने के बाद भी चीन के निवेश पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन परमाणु ऊर्जा को लेकर अपने काम में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई जा रही है और यही सारी बातें बहुत शक पैदा करती है। सुमित, निश्चित तौर पर क्योंकि समीर आप देखिए कि इन दोनों की कंस्ट्रक्शन की जानकारी ना सिर्फ चाइना छुपाता है बल्कि दुनिया में ये कहा जा रहा है कि 2026 तक इन दोनों रिएक्टर्स को पूरा भी कर लेगा और 2060 तक बताया जा रहा है कि ये कार्बन न्यूट्रल गोल को अचीव करने का जो टारगेट है चीन का वो इसको पूरा कर लेगा। लेकिन ये दुनिया जानती है कि चीन ऐसे रिएक्टर्स का इस्तेमाल खासतौर पर ना सिर्फ अपनी एनर्जीज को पूरा करने के लिए कर रहा है बल्कि अपने स्मॉल वेपन्स को बनाने के लिए भी कर रहा है। आपको याद होगा कि अमेरिका की कई रिपोर्ट्स ने बात साफ तौर पर दर्शाई थी कि चीन कितनी ज्यादा तेजी से ना सिर्फ अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर प्लांट्स को तैयार कर रहा है, बल्कि उसकी पूरी कोशिश है कि दुनिया में सबसे बड़ा न्यूक्लियर कंट्री वो बने। और यही वजह है कि ना सिर्फ अमेरिका जैसे देशों की चिंता बल्कि जो छोटे देश हैं जो आसपास उसके, चाहे ताइवान हो दूसरे देशों, उनकी चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर चीन ऐसा करता है तो चीन का जो रवैया है, जो चीन की जो पॉलिसीज है, चाहे वो अपनी इस्लामिक स्लाइसिंग की हो चाहे फिर अग्रेशन की हो, वो और ज्यादा बढ़ेगी। और ये चिंता का सबब इसलिए भी है क्योंकि चीन हर बार कुछ नया ऐसा लेकर आता है जिसमें दुनिया में तबाही का मंजर बढ़ जाता है और ये हमने वुहान की लैब से निकले हुए कोरोना वायरस से देख चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।